हाउ टू यूज ऑटो क्लीन इन किचन चिमनी। ये जो मॉडल देख पा रहे हैं ये फेवर का मॉडल है, इसमें आप ऑटो क्लीन को कैसे कर पाएंगे, या फिर आपका जो पास में अगर कुचिना का कोई मॉडल है तो उसमें ऑटो क्लीन को कैसे कर पाएंगे, मतलब ये किचन चिमनी में ऑटो क्लीन कैसे कर पाएंगे, आज इस वीडियो में वही चीज दिखाएंगे। चाहे कोई भी प्रकार का किसी भी शेप का मॉडल हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑटो क्लीन का जो प्रोसेस है वो सेम होता है, स्विच अलग अलग होता है, वो दिखने में अलग अलग होता है। आपको पूरा डिटेल्स में यहाँ पर बताएंगे कि ऑटो क्लीन को आपको कैसे करना है, कब करना है, कितना दिन बाद बात करना है, डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये जो मॉडल देख पा रहे हैं ये फेवर का चिमनी है, इसमें आप कैसे कर पाएंगे, अभी लगभग सभी में डिजिटल डिस्प्ले दिया गया, सभी जो किचन चिमनी है मॉडल है उसमें डिजिटल डिस्प्ले दिया। डिजिटल डिस्प्ले मतलब इस प्रकार का साइड साइड में हैंड साइन रहेगा, 1 2 3 स्पीड कौन सा स्पीड चलेगा वो दिया है, और मिडिल में यहाँ पर शो करेगा कि आपका चिमनी कितना स्पीड में चल रहा है, कौन क्या चीज ऑन, और सभी यहाँ पर शो करेगा। तो डिजिटल डिस्प्ले इसको कहा जाता है। किसी किसी में देखिएगा इस प्रकार का मॉडल जो है इसमें देखिएगा यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले नहीं है, मतलब यहाँ पर शो नहीं करेगा कि आपका स्पीड कौन सा स्पीड में चल रहा है, तो इसको इसमें कौन सा बटन है जिसमें आप ऑटो क्लीन कर पाएंगे। और एक जो मॉडल है देखिए यहाँ पर भी आपका देख पा रहे हैं ये भी एक मॉडल है, जो यहाँ पर भी डिजिटल डिस्प्ले नहीं दिया गया है, मतलब मिडिल में जो शो करेगा वहां पर नहीं दिया गया क्योंकि आपका ऑटो क्लीन हो रहा है कितना मिनट तक हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला देख मॉडल देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका वो शो करेगा कि आपका इसमें ये डिजिटल डिस्प्ले दिया गया तो इसमें आपका कितना मिनट तक ऑटो क्लीन प्रोसेस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चिमनी में आपको ऑटो क्लीन प्रोसेस दिखा देते हैं। ऑटो क्लीन करना कैसे होता है, ऑटो क्लीन करने के लिए सबसे पहले चिमनी का जो मॉडल है मॉडल वाइज ब्रांड वाइज अलग अलग होता है, तो मैं इस मॉडल में आपको एक दिखा देते हैं कि इसमें ऑटो क्लीन प्रोसेस कैसे होता है। इसमें ऑटो क्लीन प्रोसेस होता है पहले पावर बटन देना पड़ता है, पावर बटन देने से ही देखिए क्या मिडिल में जीरो से कर रहा है, मतलब अभी स्टैंड बाय मोड में है, बाकी सभी जो बटन है सभी स्विच है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, ऑटो क्लीन करने के लिए रेड कलर के बटन के बगल में एक बटन है, इसको आपको 3 से 5 सेकंड होता है, किसी किसी चिमनी में 3 सेकंड किसी किसी में 5 सेकंड तक प्रेस करना होता है, प्रेस दबा के रखना होता है 3 से 5 सेकंड तक। तो जब भी आप उसको दबा कर रखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए जो जीरो जीरो शो कर रहा था वो अभी 9 शो कर रहा है, मतलब इसमें 9 मिनट तक टाइम है, ऑटो क्लीन का जो टाइमिंग है 9 मिनट तक। तो ये ऑटो 9 मिनट तक ऑटो क्लीन प्रोसेस इसका चलेगा, 9 9 जो है वो 9 मिनट, 9 के बाद ये 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 4 3 2 1 एंड लास्ट 1 में क्या होगा चिमनी आपका, अभी देखिए जो चिमनी है वो रन नहीं कर रहा है, तो देखिए वहां पर 9 मिनट शो कर रहा था, अभी ये 2 मिनट में आ गया। तो देखिए अभी कुछ ही देर में ये जब भी 1 होगा तो इसमें देखिए कि चिमनी आपका रन करने स्टार्ट कर देगा, मोटर आपका घूमने स्टार्ट कर देगा, फैन जो है वो चलने लग जाएगा, उस टाइम आपको पता चलेगा कि आपका वो लास्ट मिनट लास्ट मोमेंट है ऑटो क्लीन प्रोसेस का। एंड उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली जो है आपका ये जो 2 शो कर रहा है वहां पर 1 जो शो करेगा, ये देखिए 1, ठीक है, ये 1 के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो स्टैंड बाई मोड में आ जाएगा ये वाला मॉडल में। ये सिर्फ ये वाला मॉडल नहीं, आप कोई भी मॉडल हो सभी मॉडल में सेम प्रोसेस से ही ऑटो क्लीन प्रोसेस जो है ये होता है। तो इस प्रकार से आप जो ऑटो क्लीन को करेंगे हर हफ्ता में आप ऑटो क्लीन प्रोसेस को कर लीजिएगा, या तो पर हफ्ता में रविवार का कोई भी एक टाइम डेट फिक्स कर लीजिए कि रविवार रविवार करेंगे, मंडे मंडे करेंगे, मतलब आपको वीकली हर हफ्ता करना है। एंड इसको ऑटो क्लीन करने के बाद क्या करना है, ऑटो क्लीन करने के बाद ऑटो क्लीन करने से होता क्या है, चिमनी के अंदर में जो ग्रीस वगैरह जो पूरा जमा होता है वो हीट होता है, हीट होने के वजह से हीट होने के बाद जो धीरे धीरे गलता है, एंड ये जो ऑयल ट्रे दिया गया इसमें जो है ऑयल जमा होता है, तो वो ऑयल को आपको ये जो ऑयल ट्रे है इसको आपको खोलना है, खोल के क्या करना है, खोल के उसमें जो भी गंदा ऑयल होगा उसको निकाल के फेंकना है, क्लीन करके दोबारा लगा देना है। देखिए यहाँ पर ये जो है 3 स्पीड में चिमनी आपका रन कर रहा है, एंड कुछ ही देर में ये बंद हो जाएगा। लास्ट देखिए हमने जो चीज़ आपको बताया था कि लास्ट 1 मिनट में आपका चिमनी रन करने स्टार्ट है, देखिए हमने कुछ नहीं किया था चल ही रहा था, लेकिन देखिए अभी स्पीड नंबर 3 यहाँ पर देखिए स्पीड नंबर 3 और यहाँ पर 3 शो कर रहा है, लेकिन ये देखिए कुछ ही देर में अभी बंद हो जाएगा, तो इसका लास्ट मोमेंट है। तो ये सभी जितना भी मॉडल है सभी मॉडल में आप कर पाएंगे, कोई भी ब्रांड का सेम टू सेम इसी प्रकार का प्रोसेस होता है, टाइमिंग अलग अलग हो सकता है, तो आपको हर हफ्ता में इसको जरूर ऑटो क्लीन प्रोसेस कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप ये वाला मॉडल में ऑटो क्लीन प्रोसेस को कर पाएंगे।
फेवर में। एंड आपको अगर और कोई ब्रांड का दिखा देते हैं, और भी जो मॉडल दिखाए हैं उसका भी हमने दिखा देते हैं कि उसमें किस प्रकार से आप समझेंगे कि ऑटो क्लीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें देख लीजिए कि कैसे बंद हो रहा है। देखिए अभी बंद हो गया है, देखिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है, पूरा जो डिस्प्ले है वो अभी देखिए बंद हो चुका है, एकदम स्टैंड बाय जो मोड था वो एकदम पूरा ऑफ हो चुका है। ठीक है, तो इसमें ऑटो क्लीन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। कब ऑटो क्लीन को करेंगे, जब खाना पकाना हो जाएगा, फ्री टाइम में बैठे रहेंगे उस टाइम ऑटो क्लीन को कर दीजिए, क्योंकि ऑटो क्लीन करते वक्त आपका जो है ऑटो क्लीन जब आप यहाँ पर शो करेगा वो 9 मिनट 8 मिनट 7 मिनट, तो यहाँ पर 1 2 3 स्पीड दबाएंगे ना तो वो काम नहीं करेगा स्पीड आपका। ठीक है, तो देखिए अभी ये इस मॉडल में ऑटो क्लीन को कैसे करेंगे। इस मॉडल को ऑटो क्लीन करने के लिए यहाँ पर देखिए डिजिटल डिस्प्ले नहीं है, तो इसमें बटन कौन सा है, इसमें बटन है देखिए ये पावर बटन हमने दे दिए हैं, इसमें ऑटो क्लीन के लिए ये बटन है, इसका ऑटो क्लीन का बटन, इसको बस एक बार दबाएंगे तो ये ब्लिंक करता रहेगा। देखिए इसमें ऑटो क्लीन प्रोसेस हो गया है, इसमें करीबन दिया गया है 12 से 13 मिनट इसमें दिया गया है ऑटो क्लीन प्रोसेस। कैसे पता चलेगा आपको कितना मिनट का ऑटो क्लीन प्रोसेस इसमें होगा, तो इसमें आपका जो मैनुअल बुक वारंटी कार्ड है, मैनुअल बुक में दिया रहता है कि इसमें ऑटो क्लीन प्रोसेस को कैसे करना है एंड कितना मिनट तक ऑटो क्लीन को होगा। देखिए यहाँ पर स्पीड आप चलाने जाएंगे होगा ही नहीं, काम नहीं करेगा, ऑटो क्लीन होते वक्त काम नहीं होता है, आपका धुआं खींचने का जो काम है वो नहीं करेगा, सिर्फ ओनली लाइट एलईडी लाइट जो है वो आपका काम करेगा। कोई भी मॉडल हो, किसी भी ब्रांड का हो, सेम टू सेम प्रोसेस है ऑटो क्लीन का फीचर्स का। तो इसमें चलिए इसमें भी दिखा देते हैं, ये मॉडल में आप ऑटो क्लीन को कैसे करेंगे, इसमें भी सेम टू सेम पावर बटन दीजिएगा। इसमें देखिए लो स्पीड मीडियम हाई स्पीड, यहाँ पर देखिए लाइट एंड ऑटो क्लीन का बटन एक साथ में दिया गया है, तो इसमें जो है ये वाला ऑटो क्लीन का बटन है, इसको एक बार दबाएंगे तो लाइट जलेगा, देखिए एलईडी लाइट जल रहा है। अगर आपको ऑटो क्लीन प्रोसेस को करना है देन आपको इसको दबा के रखना है, ये जो लाइट का बटन है इसको आपको कुछ सेकंड तक दबा के रखना है, सेम टू सेम प्रोसेस 3 to 5 सेकंड। ठीक है, थ्री एक्टिवेट हो गया है, देखिए अभी ये ग्लो कर रहा है, पहले जो है ग्लो कर रहा था लेकिन ये अभी ब्लिंक कर रहा है, देखिए अभी ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब इसमें ऑटो क्लीन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सेम टू सेम कैसे जान पाएंगे कितना मिनट तक है, आपको मैनुअल बुक फॉलो करना है देन आपको पता चलेगा। इस प्रकार से आप इसमें भी ऑटो क्लीन प्रोसेस को कर लीजिएगा, कर पाएंगे। अगर आपको बंद करना है एलईडी लाइट को देन एक बार दबाएंगे तो एलईडी लाइट आपका बंद हो जाएगा, लेकिन आपका ऑटो क्लीन बंद नहीं होगा। ऑटो क्लीन को बंद करने के लिए आपको सेम टू सेम जितना भी पावर बटन है वो पावर बटन अगर दबा देंगे, मतलब रेड कलर का जो बटन होता है उसको दबा देंगे, ऑटो क्लीन बंद हो जाएगा। मान लीजिए आपको खाना पकाना है, धुआं को मतलब रन करवाना है चिमनी के, देन आपको ऑटो क्लीन तुरंत बंद करना है, कैसे करेंगे, पावर बटन दबा दीजिएगा तो ऑटो क्लीन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटो क्लीन बंद करना सीख गए हैं, ऑटो क्लीन चालू कैसे करना है, कब करना है, ऑटो क्लीन करने के बाद क्या करना है, सब कुछ आपने देख लिए हैं। इसमें भी सेम टू सेम प्रोसेस है ऑटो क्लीन करने के लिए, ऑटो क्लीन का अलग से बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ऑटो क्लीन आपका चालू हो जाएगा। देखिए इसमें भी 9 मिनट तक शो कर रहा है। ठीक है, तो सेम टू सेम इसी प्रकार से आप हर एक मॉडल में ऑटो क्लीन प्रोसेस को कर पाएंगे। आपको अगर इसमें देखना है तो इसमें भी, ये भी एक चिमनी है, इसमें भी ऑटो क्लीन प्रोसेस दिया गया है, लेकिन इसमें ऑटो क्लीन का स्विच नहीं है, ऑटो क्लीन का अलग से स्विच है, वो कैसे करेंगे आपको जानना है। ये वाला कुछ ना विटारा मॉडल है, इसमें दिया गया ऑलरेडी इस चैनल में कैसे इसमें ऑटो क्लीन करना है, आप लोग उसमें देख के कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको जो चीज इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ तो वो सब कुछ आपको मिल गया है। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके तुरंत वीडियो को लाइक एंड शेयर ज्यादा कर दीजिएगा, फिर दूसरे लोगों का भी हेल्प हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना, थैंक यू, गुड नाइट, बाय, टाटा।